साहिब की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आप चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कर तो करे न कर सके हो, कर तो करे न कर सके, अरे गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। सात समंद्र की मस्ती करूं हो, सात समंद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बनरा धरती सब का कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धरती सब का कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आप चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम। साहिब की जय। सद्गुरु अभिलाष साहिब की जय। जय बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
चार जना मिली गड़ी बनाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जना मिली गड़ी बनाई चढ़ा काठ की घोड़ी। जिस तन को हम इतना मांझते हैं अर्थात इतना सजाते हैं संवारते हैं, जब मर जाएगा ये शरीर तो मरने के बाद चार लोगों को बुलाया जाएगा। कौन कौन से चार लोग? परिवार के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग और रिश्तेदार लोग। अब ये सब आएंगे और एक बांस की गड़ी बनाएंगे जिस पर हमें लिटा दिया जाएगा और पीछे से कहा जाएगा राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। और ये हाल आज नहीं कल सबका होने वाला है। और राम नाम सत्य है कहते हुए शहर की गली गली या गांव की गली गली ले चलेंगे। कहाँ ले जाएंगे? शमशान घाट। और शमशान घाट में ले जाकर के क्या करेंगे कबीर साहब क्या बताते हैं सुनिए। चार जना मिली गड़ी बनाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चार जना मिली गड़ी बनाई चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों तरफ से आग लगा दी हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जस होरी, फूंक दई रे जस होरी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। बन की लकड़िया केस जले रे जैसे घासा, हाड़ जले रे जैसे बन की लकड़िया केस जले रे जैसे घासा। और क्या गजब की बात बताते हैं सतगुरु कबीर साहब, कहते हैं जब चीता पे इस शरीर को जलाया जाएगा तो हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं वो लकड़ी की तरह जलेंगे और जो हमारे बाल है जो केस है घास की तरह जलेंगे। और ऐसे जलते हुए स्थिति को देख करके भी इस कंचन जैसी काया को बचाने के लिए मेरे परिवार के कोई आगे नहीं आएंगे। कितनी तकलीफ की बात है, जिसको मैं अपना मानता हूं उसमें से कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे। और कहते हैं इसीलिए सतगुरु कबीर साहब, हाड़ जले रे जैसे बन की लकड़ियां केस जले रे जैसे घासा, हाड़ जले रे जैसे बन की लकड़ियां केस जले रे जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई, कंचन जैसी काया जल गई, कोई पासा अरे कोई नया योरे पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
रह दिन तेरा भाई तीन दिना तेरी तिरिया रोवे तेरह दिन तेरा भाई। मरने के बाद मेरे अपने परिवार के लोग इस शरीर के लिए ज्यादा दिन तक रोने वाला नहीं है। कबीर साहब तो गिनती करके बताते हैं कि कौन कितने कितने दिन तक के रोएंगे। एक है जो रोती रहती है, जीवन भर रोती है। और क्यों रोती है? तो जैसे हमारे अभी साहब जी ने बताया हुआ, माया मोह के कारण से रोती है। और कौन है जो जीवन भर रोती है, ये बात भी इस भजन में बताया गया है। और क्या कहते हैं सद्गुरु, तीन दिना तेरी तिरिया रोवी तेरह दिन तेरा भाई, तीन दिना तेरी तिरिया रोवी तेरह दिन तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके आस पराई रे करके आस पराई, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हमारे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन जब मर जाएंगे और जब हमको मिट्टी में दबाया जाएगा तो हमारा सब कुछ मिट्टी का हो जाएगा। जीते जी हमारे पास, चाहे हम एसी मकान में रहते हो, डल्लब की गद्दा में सोते हो, एसी कार में चलते हो, आगे पीछे नौकरों चाकरों की लाइन लगी हो, लेकिन मरने के बाद सब कुछ मिट्टी का हो जाएगा। कितना गजब के बात बताते हैं कबीर साहब जी। और क्या कहते हैं अंतिम में, माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले पछताना रे समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की भांति भांति से सदगुरु कबीर साहेब हमको जगाने का प्रयास करते हैं कि भाई जागो, केवल तन को सजाने का काम ना किया जाए बल्कि मन को मांझने का काम किया जाए। जीवन पर्यंत शरीर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए, आवश्यकता भी है। शरीर अगर सही रहेगा तो ही हम कुछ विचार कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि केवल यहीं तक सीमित मत रह जाइए, इस शरीर की साफ सफाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मन को देखना चाहिए कि मेरा मन मुझे कहां कहां ले जाता है। हमको मन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और जब हम मन की साधना करेंगे तो फिर बात बनेगी। आदमी का जीवन जब रहता है और स्वस्थ रहता है तो सोचता है कि अभी तो मैं स्वस्थ हूं। सामर्थ्य होने पर आदमी सोचता है कि मैं बलवान हूं, लेकिन आदमी कहां बलवान है। समय बलवान है, कोई भी व्यक्ति आज तक के बलवान नहीं हुआ। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। एक दिन सबको जाना पड़ता है, समय के आगे सबको झुकना ही पड़ता है, और इसी पर आधारित यह बहुत सुंदर भजन, समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा निर्धन या धनवान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, सबको जाना होगा निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय दुर्लभ ये मानव जीवन बड़ा कठिन माना मानव तन, है दुर्लभ ये मानव जीवन बड़ा कठिन माना मानव तन, पाकर धन यौवन वैभव तू मत करना अभिमान, समय बड़ा बलवान रे,
दिन आया तू धरती पर, काल चला हम ज्योति बनकर। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम ज्योति बनकर। पता न किस पल धर बैठेगा मूरख रुत पहचान। चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी सोच समझ ना दा। सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। आदमी आज तक अगर कोई बलवान होता, उनके पास शक्ति होती, तो अभी तक के कोई मरता नहीं, बल्कि सब लोग जिंदा रहते। बड़े बड़े धनवान जाना, उन सबको जाना पड़ा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, राज राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, वस्तु हरी की यहाँ आनी जानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, और अंत में लखपति का ना ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला हुआ। हम सबको एक ना एक दिन
अकेला जाना पड़ेगा। और हमारे संत गुरुजन जो होते हैं उन्हीं की बात बताते हैं, अंतिम स्थिति की तैयारी करने की बात बताते हैं। संत गुरुजन भी क्या शरीर हमारे जैसा ही है, उनके भी हाथ पैर है ना, सारी इंद्रियां हैं, लेकिन वो जीवन भर साधना करते हैं। और किसकी साधना करते हैं? तो मृत्यु को जीतने की साधना करते हैं। और हम लोग उसी चीज से डरते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सतगुरु कबीर साहब ने जो कहे हुए बात है, जही मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरी वो कब पाई वो पूर्ण परमानंद। वो पूर्ण परमानंद की तैयारी करते हैं और हम लोग उससे डरते हैं। कोई कह दे कि मौत की बात किसी खुशी की समा में, तो आदमी कहते हैं क्यों अशुभ बातें कर रहे हैं। तो जनाब बताइए सुख क्या है? सुख क्या है? पहले भी तो कहीं मरे होंगे, तब कहीं जाके आज जन्म मिला है मनुष्य के शरीर का। इसलिए सोचने की बात है और समझने की बात है। आइए आपके बीच एक कवाली रख रहा हूं। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन न दे। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोए, ऐसा होए के ना मुआ जो बहुरी ना मरना हो। मुआ है मर जाऊंगे, मुआ है मरी जाऊंगे, मुए की बाजी ढोल सपन सनेही मानवा, सही दानी रही गो बोल। कब तेरे हमरा ये दुनिया का मेला जाएगा, ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। कब तेरे हमरा है ये कब तेरे हमरा है ये दुनिया का मेला जाएगा, ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा, ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा, ऐ अकेले
आइए एक छोटा सा और भजन, फिर सब लोग भोजन के लिए चलेंगे। ऐ दिल क्यों हिर्स करता है, हिर्स का मतलब होता है इच्छा, कामना, अहंकार, और ये सबके दिल में भरा पड़ा है। लेकिन एक संत जी कहते हैं, ऐ दिल क्यों हिर्स करता है, तुझे संसार क्या करना, सदा फिरते ही रहना है, तुझे घर बार क्या करना, रहा मालो मकान किसका, कुछ मकान को छोड़ करके, कुछ बिल्डिंग को छोड़ करके 100 साल पुराना मकान हैदराबाद में भी बहुत कम देखने को मिला। रहा मालो मकान किसका, जो रहे बेगा तेरा बाकी, यहां दो दिन का जीना है, तुझे जरतार क्या करना। जरतार कहते हैं धन संपत्ति इकट्ठा करना। दो दिन जब जीना है तो पूरा जीवन क्यों लगाए धन संपत्ति इकट्ठा करने में। और कहते हैं, मेरे और आपके जैसे एक नहीं हजारों नाम और गुजरे, हजारों नाम वर गुजरे, नहीं जिनका निशान बाकी, ये सब दो दिन की दुनिया है, तुझे श्रृंगार क्या करना। इस शरीर को बहुत सजाने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए हमारे संत लोग कफन पहने रहते हैं, जब साधना पथ में आते हैं तो जो गुरु जी होते हैं जिनके सानिध्य में आते हैं, इस सफेद असला कफन का प्रतीक कफनी दे देते हैं। लेकिन हम लोग कितना फैशनेबल होते जा रहे हैं और फैशन इतना बढ़ती चली जा रही है कि हर आदमी फैशनेबल होते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। और कहते हैं इसीलिए, उठा ले हाथ तू सबसे, खुदा से दिल लगा अपना, खुदा खुद
तुझे अब लाल फूलों की ये गजरे हार क्या करना। वतन जागीर को लेकर देखिए अभी घमासान आया, रिजल्ट आने वाला है 23 तारीख को। वतन जागीर को लेकर घमासान घमासान, वतन जागीर को लेकर करेगा क्या बता ऐ दिल, लहद को याद कर अपनी, लहद नाम कब्र, लहद को याद कर अपनी तुझे गुलजार क्या करना। कुजा रुस्तम कुजा हातिम कुजा दाना कुजा लुकमान, मुसलमान भाइयों के बड़े बड़े नाम हैं। कुजा रुस्तम कुजा हातिम कुजा दाना कुजा लुकमान, हमादर खाक सुध पीना, हमादर खाक सुध पीना, हम कहते हैं अहंकार को, अहंकार को पीने की बात बताया गया है। हमादर खाक सुध पीना तुझे इजहार क्या करना, ये सब 2 दिन की दुनिया है, ये सब 2 दिन के साथी हैं, तेरे माँ बाप और भाई जो मुश्किल में नहीं साथी उसे फिर प्यार क्या करना। यहां प्यार का मतलब मोह से है, प्रेम तो करना पड़ेगा। महल किसका मकान किसका किधर है और जगह तेरी, तू खुद होशियार है ये दिल तुझे होशियार करना। इतनी बातों को समझ करके भी जो ना समझे और केवल और केवल सोना और चांदी इकट्ठा करने में लगे रहे तो मालूम है क्या होगा, एक दिन यमराज फौज पताकी के साथ आएंगे, किसको लेकर के, मौत रूपी शहजादी को। इसीलिए किसी भजनकार ने बहुत सुंदर बात बताया और क्या कहते हैं, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे,
का सामान है तेरे, मिट्टी का तू और सोने का सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। पाप कन्हैया तेरी, पाप कन्हैया तेरी जिस दिन डुबाएगी, पाप कन्हैया तेरी जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन, धड़कन में तेरी मौत जिस दिन, धड़कन में तेरी मौत जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सह जाती आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सह जाती आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी 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 आएगी। प्रेम से बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की। आइए इसी के साथ सब भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरति ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती करो सदगुरु साहेब की, आरती करो सदगुरु साहेब
जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परनाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब अधिकं तपः गुरुः ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुः परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। बंदव सन मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहेब की, संत महापुरुषों की, साहेब बंदगी साहेब। हेलो।